लोग सोचते हैं कि महिला मुख्यमंत्री हम वुमेन के लिए राइट मिलेगा, पर महिला मुख्यमंत्री ही करप्शन के पीछे है, वो ही करप्शन करवा रही है। ममता बनर्जी केस को हाइड करना चाहती है, पूरा केस को छुपाया जा रहा है, इट्स वेरी क्लियर हम लोग को सब चीज। हमें मांग हमारी ये नहीं है, उन्हें भी नंगा करके थर्ड डिग्री टॉर्चर देना चाहिए, फिर उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए, जस्टिस चाहिए। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें जस्टिस चाहिए। सरकार को एजुकेशन देना चाहिए, जैसे हर एक बेटा है तो उसे बताना चाहिए कि लड़कियां ऑब्जेक्ट नहीं होती हैं। हमें इंडिपेंडेंस चाहिए अपने लिए, हमारा 78 इंडिपेंडेंस डे होने के बाद भी वुमेंस को जस्टिस नहीं मिला। अभी ये सिर्फ एक डॉक्टर का बात नहीं है, यहाँ हर रोज़ बहुत सारी लड़कियों का रेप हो रहा है, हर घंटे हो रहा है। हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ किसी का रेप हो रहा हो, तो उस बंदे को तो फांसी मिलना ही चाहिए, उसके साथ साथ उसके परिवार वाले को निर्भया होने के बाद कितने साल बाद 2021 में जा करके उन अपराधियों को सजा मिली। तो इस पॉइंट में हम लोग कोई एग्जाम्पल नहीं सेट कर पा रहे हमारी गवर्नमेंट में। आप देख सकते हैं कि पटना वुमेंस के बाहर लगातार स्कूलों की छात्राओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अपने इंडिया में कोई स्ट्रिक्ट लॉ अभी तक नहीं आया, इतना कुछ होने के बावजूद यहाँ पे गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC 24 कोलकाता। रेप के बाद हत्या के मामले को लेकर पूरे देश भर के डॉक्टरों में उबाल है। ऐसे में सिर्फ डॉक्टरों में ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चियों जो हैं छोटे छोटे अपने हाथों में पोस्टर लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठी है। जस्ट पटना वुमेंस के गेट के बाहर देख सकते हैं साफ तस्वीरें कि किस तरीके से बच्चियाँ जो हैं हाथ में पोस्टर लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठी है। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की बताइए। हमें जस्टिस चाहिए, मोमिता देवनाथ के लिए हमें जस्टिस चाहिए। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें जस्टिस चाहिए उनके लिए। क्या कुछ मांगे हैं? सरकार को एजुकेशन देना चाहिए, जैसे हर एक बेटा है तो उसे बताना चाहिए कि लड़कियां ऑब्जेक्ट नहीं होती हैं। एग्जैक्टली लगता है स्कूलों में किसी भी तरह की नहीं, स्कूल में नहीं है। और भी छात्राएं यहां पे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? नो मर्सी टू द रेपिस्ट। तो क्या कुछ चाहती है आप लोगों को? डर भी लगता है स्कूलों में? नहीं, डर नहीं लगता, बट हमें इंडिपेंडेंस चाहिए अपने लिए, हमारा 78 इंडिपेंडेंस डे होने के बाद भी वुमेंस को जस्टिस नहीं मिला। अभी आज़ादी मिल चुका है लेकिन महिलाएं अभी भी आज़ाद नहीं है, उन्हें खुले तौर पे इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है। हाँ, तो हमें भी इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें भी जस्टिस चाहिए, वी वांट जस्टिस। और भी बच्चियां हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की, किस लिए खड़ी हैं? हम जो अभी रिसेंटली जो कोलकाता रेप केस हुआ उसके लिए प्रोटेस्ट के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं, और हम लोग चाह रहे हैं कि वो जो भी इसका आरोपी है वो पकड़ा जाए जल्दी से जल्दी। क्या कुछ कहेंगी आप लोग? जो हुआ सो गलत हुआ, अब इसके सामने हम लोग को खड़े रह के लड़ाई करनी है ताकि जो हुआ उसको सही किया जा सके, दोबारा से इस घटना को अंजाम ना दिया जाए। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं लड़कियां रोड पे निकलती हैं तब इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, लेकिन ना ही वहाँ पे छोटे कपड़े पहन रखी थी वो डॉक्टर, और ना ही पार्टी कर रही थी, नहीं रात नाइट में घूम रही थी, फिर भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, फिर कैसे देखती हूँ आप लोग? ये गलत है, अगर छोटे कपड़े पहन के भी निकली तभी भी कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये किसी को कोई अधिकार हम लोग पे नहीं है। तो आप लोग की मांगे हैं कि जल्द से जल्द जस्टिस मिले उस डॉक्टर की, मिले उस डॉक्टर को, क्योंकि ये बहुत बुरा हुआ है उन लोग के उनके साथ, क्योंकि वो बस अपना एक नाइट ड्यूटी कर रही थी। अब वो आदमी वैसा होगा, उसके लिए बहुत बुरा चीज़ सोचा होगा, तो उसके साथ वैसा बुरा हुआ, तो हम लोग उसे सुरक्षित है बिहार या पूरे देश की बात करें तो? हाँ, बेसिकली नहीं, बिहार में अभी बहुत जगह लोग सुरक्षित नहीं है, स्पेशली लड़कियां, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत गंदी नज़रों से यहाँ देखते हैं सबको, एंड हमें जस्टिस चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ उसे मारने की बात नहीं है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे वो कितना तड़पी होगी वो लड़की जब उसे ऐसे रेप किया जा रहा हो। हमें तरीके से बहुत था, काफ़ी बोन भी उसके जो टूटे हुए मिले थे, क्लेविकल बोन। एंड ये सिर्फ एक डॉक्टर का बात नहीं है, यहाँ हर रोज़ बहुत सारी लड़कियों का रेप हो रहा है, हर घंटे हो रहा है। हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ किसी का रेप हो रहा हो, यहाँ पे जैसे बोलते हैं कि लोग कैसा सज़ा चाहती हैं कि उस आरोपी को कैसा सज़ा मिले, उसे तड़पाना चाहिए जैसे उस लड़कियों को तड़पाता है, जैसे यहाँ एक रूल बनना चाहिए कि ये सुधर जाए सब, ये सिर्फ सज़ा का बात नहीं है, अगर ये सुधर जाए तो किसी को सज़ा भी ना मिले। और भी देखिए, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से लंबी लंबी कतारों के साथ यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो छोटे छोटे
लड़कियां हैं वो अपने हाथों में पोस्टर लेकर लगातार धरने पे बैठी हैं और जस्टिस की गुहार लगा रही हैं, न्याय की गुहार लगा रही हैं कि किस तरीके से कोलकाता रेप के बाद हत्या के मामले को लेकर लगातार पूरे देश भर में लोग जो है डॉक्टर से लेकर आम जो लड़कियां हैं वो भी अपने लिए कहीं ना कहीं खड़ी हो रही हैं, क्योंकि इस तरीके की घटना को जो अंजाम दिया गया है फिर से दोबारा इस घटना को अंजाम नहीं दिया जाए। और ऐसे में कुछ और भी लड़कियां उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? मेरा हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी हमारी सोसाइटी में ऐसा कोई भी घटना होता है तो लोग उसको कहते हैं किसी ना किसी पॉइंट पे लड़की को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, उसके कपड़ों पे, उसके जगह पे, वो किसके साथ थी, किस वक्त बाहर थी। अब इस केस में पे लड़की ना छोटी ड्रेस में थी ना नाइट में पार्टी थी, फिर भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, तो इस शर्मनाक है। इस पॉइंट पे की सजा चाहती हैं आप कि आरोपी को मिले? सज़ा तो पहले तो फांसी मिलनी चाहिए, ठीक है, फिर मेरा एक ये भी स्कोप रहना चाहिए हमेशा गवर्नमेंट और लॉ ऑफिशियल्स का कि उस बंदे को तो फांसी मिलना ही चाहिए और उसके साथ साथ उसके परिवार वाले को किसी ना किसी प्रकार से होते हैं ना फाइन वगैरह लेकर के उसको भी होते हैं, ताकि जो विक्टिम है उसके परिवार को हम लोग पैसे दे सके। निर्भया हत्याकांड तो जानी होंगी, वही वही उसके बाद फिर से बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और निर्भया होने के बाद कितने साल बाद 2021 में जाकर के उन अपराधियों को सजा मिली, तो इस पॉइंट में हम लोग कोई एग्जाम्पल नहीं सेट कर पा रहे हमारी गवर्नमेंट में, हमारे कंट्री में, कि इस कुछ भी घटना होगी तो लोग तो आम है कि हाँ खुल जाएंगे। इस पॉइंट पे हमें जस्टिस चाहिए अभाया के लिए और हर औरत के लिए। तो आप देख सकते हैं कि पटना वुमेन्स के बाहर लगातार स्कूलों की छात्राओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा जो लड़कियों में कहीं ना कहीं आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि इस तरीके की बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है हमारे देश में और आरोपी जो है कहीं ना कहीं उन्हें जो जितनी सज़ा मिलनी चाहिए उस सज़ा नहीं मिल पाती है, इसको लेकर लगातार चाहती हैं कि उसे भी किसी भी तरह की जिस तरीके से लड़की के साथ हुआ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई, तो उसी तरह से फिर से ये घटना दोबारा हमारे देश में ना घटे इसको लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ और भी लड़कियां हैं देख सकते हैं आप पटना वुमेन्स के बाहर, काफ़ी लड़कियां जो है धरने पे बैठी हुई हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? वी वांट जस्टिस। किस कैसी सज़ा मिलनी चाहिए आरोपी को? पनिशमेंट का तो नहीं बोलेंगे बट वी थिंक दैट वी शुड हैंग द रेपिस्ट एटलीस्ट। क्या कुछ मांगे हैं? क्या कुछ मांगे हैं, किस लिए खड़ी हैं यहाँ पे? बहुत मतलब जिस तरह की ये चीज़ हुई है आज के ज़माने में जहाँ पे मतलब लड़कियों को देवी की जैसा, हाँ एक दिन यहाँ पे इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं और एक तरफ से इतनी घटिया चीज़ हो रही है, हमें मांग हमारी ये नहीं है उन्हें भी नंगा करके थर्ड डिग्री टॉर्चर देना चाहिए फिर उन्हें फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, जिस तरह से उन्होंने जो हरकत की है वो भी यही डिजर्व करते हैं, उनका हम लोग 1% दर्द भी नहीं जानते। जो हड्डियाँ तोड़ दी गई थी उसकी जो आज के ज़माने में जहाँ पे मैं इंडिपेंडेंट लड़की हूँ एक, मुझे क्यों अपने भाई को ये बोलना पड़ रहा है कि मैं लोकेशन भेजती हूँ, भाई ध्यान रखना मैं घर लौट रही हूँ। आज के ज़माने में मैं डिज़र्व करती हूँ कि मैं शांति से अकेले अपने ऊपर होके अपने घर जा सकूँ, क्यों मैं ये डिज़र्व करती हूँ कि मैं अपने भाई को बोलूँ, मैं अपने पिता को बोलूँ पापा प्लीज़ ध्यान रखना मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ मैं घर आ रही हूँ, मैं ये डिज़र्व नहीं करती हूँ। जिस तरह से उनका दर्द मैं 1% भी नहीं बता सकती हूँ जो उन्होंने सहा होगा, जिस तरह से उनकी मौत हुई है ये घटना नहीं होनी चाहिए दोबारा। ये तो काफ़ी लड़की जो है आंखों में इनको देख सकते हैं, काफ़ी ये भावुक हो गई हैं, काफ़ी भावुक होते हुए बता रही हैं, काफ़ी डर लगता है, बहुत बहुत डर लगता है आज के ज़माने में। अगर हमें ये सहना पड़ रहा है मैं क्यों पढ़ाई करूँ, मैं अभी किसी के घर जाके दो रोटी बनाती हूँ, सेफ रहूँ। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन पढ़ी तो बेटी लेकिन बची नहीं। इतना इकोनॉमी हम लोग का बढ़ रहा है, देश का जो मेन धन है, जो देश का ध्यान है बेटियाँ जो आज के समान में इतना ऊपर जा रही वो नहीं डिजर्व करती, वो ये सब मतलब उन्हें इस घटिया चीज से गुजरना पड़े जब हमारा असली धन की मौत इस तरह से हो रही है, क्या फायदा देश की इकोनॉमी इस तरह से ऊपर जाने का, हम लोग बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है। जिस तरह उन्हें इतनी खराब हालत उनकी, उसी तरह वो हो उन्हीं उनके मुजरिम को उन्हीं तरह निर्वस्त्र करके थर्ड डिग्री टॉर्चर मिलना चाहिए और फिर उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, ये वो डिजर्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि काफ़ी जो लड़कियां हैं भावुक हो चुकी हैं, ऐसे में कुछ और भी लड़कियां हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ आरोपी की सजा में होनी चाहिए, क्या कुछ
क्या कुछ सजा होनी चाहिए आरोपी को? वो आरोपी को क्योंकि ऐसा क्राइम किया गया, कोई ऐसी सज़ा नहीं है जो जस्टिफाई कर सके, बट तभी भी उसे कड़ी सी कड़ी सज़ा और जल्द सज़ा पार कर दी गई थी। वही इतना वो लोग सच में ऐसा दुष्कर्म तो हम लोग को भी देख के हम लोग की आत्मा के बाद काफी सच में उस टाइम इतना डिले हुआ, 7-8 साल लगा, इसलिए ये वापस से रिपीट हुआ है। इसलिए हम बोल रहे हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। क्या कुछ मांगे हैं, कैसे जस्टिस आप लोग चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि न्यायालय के सामने खड़े होकर में न्याय के लिए मांग करना पड़ रहा है, इतना हल्ला करना पड़ रहा है, शोर मचाना पड़ता है लड़कियों को हमेशा, तो ये कैसा सरकार है, ये कैसा देश है, और ये कैसा सुरक्षा चाहिए? सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ी तो लेकिन बची नहीं। बेटी पढ़ाने से पहले हमें बेटे को पढ़ाने की ज़रूरत है, उन्हें समाज में कैसे रहना चाहिए वो सिखाने की ज़रूरत है। बेटियाँ जो हैं वो समाज को समझ कर रह रही हैं। पहले था कि बेटियों को रहने नहीं दिया जाता था, घर से निकलने नहीं दिया जाता था, और अब निकलने दिया जा रहा है। कहा जाता है कि लड़कियों की गलती होती है छोटे छोटे कपड़े पहन के निकलती है, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर तो ना छोटे कपड़े पहन रखी थी, उनकी गलती इतना ही थी कि उन्हें पढ़ लिख कर उन्होंने मुकाम हासिल किया, उसके बाद भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ पे सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, अगर सोसाइटी साथ में आ जाए और इस दुष्कर्म के लिए मतलब लड़े कि ये इस रेपिस्ट को वो होना चाहिए, उसे कानून के तहत उसको फांसी होनी चाहिए, तो वो बहुत ही जल्द हमें वो जस्टिस मिल सकता है। और साथ ही साथ सोसाइटी को दोनों के लिए इक्वालिटी लाना होगा, वो मन में मेंटालिटी लाना होगा, यानी कि बेटों को सबसे ज़्यादा समझदार बनाना होगा कि आपके नज़रिए गंदे हैं ना कि लड़की के कपड़े गंदे हैं। जी हमें हमारे लॉ को बदलना होगा और हर एक सोच हमारे घर के लोग, हमें हमारे ऐसा लॉ बनाने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में कि हर जो रेपिस्ट जो है वो 100 बार सोचे दूसरी गलती करने के लिए, और जब भी वो सोचे उसको खुद पे घिन आए। और हमारे घर से शुरू होती है ये सोच, तो हमें अपने बेटों को शिक्षा देनी चाहिए कि लड़कियों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी ये लड़कियों डिज़र्व नहीं करती ये सोसाइटी, क्योंकि लड़कियों की लेवल बहुत बड़ी है और ये सोसाइटी बहुत गिरा हुआ है। लॉ बनाने तो चाहिए, साथ ही उन्हें बहुत कड़ी तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसे लागू करना चाहिए। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हमारे देश की 50% जो पॉपुलेशन है वो विमेन की है, पर अगर इस देश में विमेन ही सेफ फील नहीं करेंगी तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हरकत की गई है वो बहुत ज़्यादा घिनौनी है, तथा कोई भी औरत इस हरकत को डिज़र्व नहीं करती है। तो आप साफ तौर पर सुन रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन लोगों का यहाँ पे अगर जस्टिस डिनाई हो रहा है, एक को जस्टिस डिनाई हो रहा है, मतलब किसी को भी जस्टिस नहीं मिल रहा है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द जस्टिस, अगर आप उसको जस्टिस डे भी देते हैं तो जो ट्रॉमा अगर वो लड़की जिंदा होती तो फेस करती, क्या आप उसको ठीक कर सकते थे? हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, हम बाहर निकल रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, हम पढ़ने आ रहे हैं, क्या पता आज हम घर वापस सही सलामत जा पाएंगे कि नहीं। हमारे मन में इतने सारे सवाल हैं, मेरी मम्मी अभी हम इस यहाँ पे बाहर खड़े हैं तभी मुझे एक डर सता रहा है कि मेरी बहन जो अभी बाहर पढ़ रही है वो अभी सुरक्षित है कि नहीं, कहीं वो अगर काम कर रही है उसके साथ अगर कोवर्क बहुत गलत होता है। हम कहते हैं कि लड़कियाँ छोटे कपड़े पहन रही हैं, लड़कियाँ बहुत ओपन हैं, लड़कियाँ लड़कों से बात कर रही हैं, लड़कों को क्यों नहीं सिखाते कि लड़की? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बोली है कि लड़कियाँ जल्दी इंटरेक्ट कर जाती हैं लड़कों से, ऐसा होता है उनकी बेटी भी। अगर आप किसी वर्क प्लेस पर हैं तो आपका पूरा कंट्री में पूरा पॉपुलेशन मैन है ऐसा नहीं है, पूरा पॉपुलेशन वुमेन है ऐसा नहीं है, मैन और वुमेन है तो इंटरेक्शन होगा, और अगर इंटरेक्शन का मतलब रेप हो जाएगा, ये इंटरेक्शन का मतलब रेप हो जाए ये कोई बात नहीं होता है। ममता बनर्जी केस को हाइड करना चाहती हैं, पूरा केस को छुपाया जा रहा है, इट्स वेरी क्लियर, हम लोग को सब चीज क्लियरली समझ में आ कि महिला मुख्यमंत्री हाँ, हो वहाँ का भी ऐसा घटना। वही एग्जैक्टली हम लोग सोचते हैं कि महिला मुख्यमंत्री हम वुमेन के लिए राइट मिलेगा, पर महिला मुख्यमंत्री ही करप्शन के पीछे है, वो ही करप्शन करवा रही है, और एंड में हम लोग को सुनने क्या मिलता है, लड़का लड़की इंटरेक्ट को दबाना चाहिए। एग्जैक्टली रोड पे सब इंटरेक्ट करता है, इसका मतलब रोड पे चलते चलते आप रेप करवा दीजिए, आप लड़का से इंटरेक्ट नहीं करती, आप दिन भर लड़की के साथ ही रहती है, आपकी आपका कोई इंटरेक्शन नहीं है मेन से, आप दिन भर हर समय लड़की के साथ रहती है, आप चीफ मिनिस्टर, आप 100 जगह जाती है, अगर आपको कोई छू दे उस दिन आप इतना बतंगर बना देंगे, और हम लोग आम जनता है, हम लोग आपको वोट करके जिता रहे, इसका मतलब कि हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि कोई वुमेन है हम लोग का साइड लेगा, पर वुमेन ही कोई रिस्पेक्ट नहीं है वुमेन का, वुमेन ही सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। इट्स अबाउट द लॉ कि अपने इंडिया में कोई स्ट्रिक्ट लॉ अभी तक नहीं आया, इतना कुछ होने के बावजूद यहाँ पे गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है, नो लॉज आर देयर जिससे हम लोग इसको बंद कर सके। अगर कोई महिला या कोई भी इंसान यह कहता है कि लड़का लड़की आजकल ज़्यादा इंटरेक्ट करते तो वो उनकी सोच की नीचता को बताता है। इस दुनिया में इस देश में हम लोग कह रहे हैं हमें बराबरी चाहिए, लड़कों लड़की में बराबरी चाहिए, इसका क्या मतलब है? आप हर वक्त किसी एक से घिरे हुए नहीं हो सकते। मैं स्कूल में हूँ, मैं बाहर जाऊँगी,
जाऊंगी, मैं घर जाऊंगी, ये ऑब्वियस है कि मेरे आसपास लड़के भी होंगे, पर इसका यह मतलब नहीं है कि वो कुछ भी करें जो उनका मन है। हम लोग लड़कियों को सिखाते हैं ना, हम लोग को लड़कों को सिखाना चाहिए कि लड़कियों को किस नज़र से देखते हैं, चलते फिरते किसी भी लड़की को देख के ये मत बोलो कि अरे यार देखो ना कितनी सही लग रही है, वो कूल नहीं है, तुम एक बहुत बड़े बुद्धू लग रहे हो, बहुत बड़े मतलब नीच हरकत कर रहे हो। संस्कार आपको ऐसा संस्कार नहीं है। आप घर में आके मम्मी को बोलते हो, मम्मी को बोलते हो हाँ मम्मी हम तुमको प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी बहन से राखी बंधवाते हो और दूसरे की बहन पे किस नज़र से तुम देख रहे हो। It's not about what girls wear, it's about what boys think. And it's not about कि law क्या बन जाए, law के behind भी इतने सारे corrupted government officials हैं, वो लोग law को भी दबा देंगे, तो जब तक ये government officials को नहीं हटा जाएगा, law भी कुछ नहीं कर सकता women का। मेरा सवाल भारत हुआ है, उस धरती पर अगर नारी का सम्मान नहीं हो सकता तो आगे कहीं और सम्मान नहीं हो सकता। हमारे यहाँ लंका जलाने की प्रथा है, ये नहीं कि रेपिस्ट को छुपाया जाए, इसलिए वी वांट जस्टिस, हम नारी आवाज उठाएंगे। ममता बनर्जी भी पूरे मुद्दे पर, मेरा सवाल है, हाँ वो एक नारी हो कि दबा रही है मुद्दे को, सबसे ये सबसे गलत बात होगी अगर मुख्यमंत्री नारी हुई और ऐसा उन्होंने ट्वीट किया है कि इंटरेक्ट कर लेती है, मेरा सवाल ये सब गलत है, ये सब गलत है। सब मेरा सवाल उनसे है कि आप जो बोल रही हैं कि लड़कियां लड़कों से इंटरेक्ट करती हैं, आप बताइए आपकी सभा में कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, आप तो सिर्फ लड़कों के साथ बैठती हैं, क्या आपके साथ क्यों नहीं हुआ? आप मतलब आप भी तो लड़कों से बात करती हैं ना, ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? आप सुरक्षित हैं और हम नहीं। कि अगर कोई लड़की आवाज़ उठा ले और वो गलत के बारे में बोल दे तो आप उसका रेप करवा के उसका मर्डर करवा दे और फिर अपने पार्टी के लोग को आउट ऑफ इंडिया भेज दे कि बच जाएगा, आउट ऑफ इंडिया तो जाएगा। वो भूल रही है कि गवर्नमेंट इज़ फॉर अस, इट्स नॉट फॉर हर, इट्स फॉर अस। वो सत्ता पे अपने लिए नहीं हमारे लिए बैठी हैं, वो सिर्फ अपने साथ अच्छा अच्छा कर रही हैं कि हाँ हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप कर क्या रही हैं? खुले आम छोड़िए, लड़की अपने काम कर रही है, इतना पढ़ लिख के सभी कहा जा रहा है कि काफी सोची समझी साजिश थी, बिल्कुल प्लानिंग प्लानिंग जिस दिन ये सब वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे एग्जैक्टली एविडेंस को मिटाने के लिए वॉशरूम को कंस्ट्रक्शन साइट बना दिया, वो मतलब सारा एविडेंस का ये सोचा समझा प्लान था प्रिंसिपल के साथ मिलकर और उसी के बाद प्रिंसिपल को छुट्टी पे भेज दिया, तो ये सब सोचा समझा प्लान था कि हम लोग पार्टी के लीडर्स कहीं सामने ना आ जाए, जो किया उसको आउट ऑफ इंडिया भेज दिया ताकि बच जाए और फिर अब वो चिल होके बैठी है, तो ये चिल होने से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा या फिर आप उनको हटा दीजिए और फिर एक लॉ बनाइए जो गवर्नमेंट ऑफिशियल उसको फॉलो कर सके, या तो प्रेसिडेंट का रूल वहाँ चलाया जाए, उन्हें देना पड़ेगा हमें इंसाफ चाहिए। हर 16 मिनट कोई ना कोई लड़की अनकंफर्टेबल फील कर रही है, अभी भी रेट इंडिया में 16 मिनट्स में है, हर एक 16 मिनट में हर एक लड़की इंडिया में ऐसा अनकंफर्टेबल फील कर रही है, जो कि हमें घटाना होगा, हमें क्रिमिनल को अच्छी से अच्छी सज़ा देना पड़ेगा। हमने आज़ादी के 78 ईयर्स बना लिए, पर मेरा सवाल है कि हम सही में आज़ाद हुए हैं? आज भी लड़कियाँ घर से बाहर निकलने से डरती हैं, क्यों? जहाँ पर माँ सीता की पूजा की जाती है वहाँ की लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हमारे यहाँ पर सरकारों ने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ तो गई पर क्या बेटी बची? मुझे ममता जी से पूछना है कि हमारे यहाँ बेटियाँ पढ़ तो रही हैं पर बच क्यों नहीं रही हैं और सरकार इसके लिए कुछ क्यों नहीं कर रही है? देखिए, वायलेंस रोकने का सबसे बेस्ट तरीका है एजुकेशन, जहाँ अवेयरनेस एजुकेशन नहीं होगी वहाँ पे वुमेन पे अत्याचार किया ही जाएगा। हमारे इंडिया का जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर्स है पर बस 6% एजुकेशन पे जाता है, गवर्नमेंट को कम से कम 10% एजुकेशन पे डालना चाहिए कि ये सब चीज़ रुके। अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए कि मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ, तो मैं उसको सज़ा दिलाने के लिए यहाँ नहीं खड़ी हूँ, मैं चाहती हूँ उसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि जनता की अदालत में जनता के लिए जो अदालत बनाई गई है, शायद उसमें 7 साल लग जाए 14 साल लग जाए इंसाफ मिलने पर जनता की जो अदालत है जिसने फैसला कर लिया है, उसे 7 मिनट भी नहीं लगेगा उस रेपिस्ट को सज़ा देने में। तो आपने सुना कि कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि अपने घर के जो लड़के हैं उन्हें शिक्षित करें और सिखाएं कि कैसे दूसरे की बहन बेटियों को नहीं देखना है, कैसे जितना अपने लिए बहन बेटी के बारे में सोच सकते हैं उससे ज़्यादा दूसरे के बारे में ना सोचें तो ही सही होगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो छात्राएं थी लड़कियां थी वो काफ़ी आक्रोशित दिखी हैं और साफ तौर पे कहना है उनका कि कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ जो होती हैं जल्दी इंटरेक्ट कर लेती हैं, इसकी वजह से रेप हो जाता है, तो उनसे ये पूछना चाहती हैं लड़कियाँ कि क्या उनकी भी कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री होते हुए महिला मुख्यमंत्री होते हुए इसी तरह की अपनी देश में करवाना चाहती हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी? ऐसे ही कई सवालों का जवाब उन्होंने छोड़ गई हैं इस वीडियो पे, आप देखना जरूर। सही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।